हेलो छात्रों, मैं संतोष सर दीक्षांत सेरुटेक से स्वागत करता हूं। आज वर्ग सात के लिए हिंदी व्याकरण में पाठ उच्चारण संबंधी अशुद्धियां लेकर आया हूं आपके लिए। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, यह उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हैं क्या चीज? हम कई बातों को उच्चारित करते हैं और उसको गलत तरीके से उच्चारित करते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ बन जाता है। दोनों ही बातों का अर्थ अलग अलग हो सकता है, और तब तो ज़्यादा ही अशुद्धा हो जाती है जब समझने वाला हम जिस बात को कह रहे हैं वो न समझते हुए कुछ और समझ ले। जैसे हम कई तरह की अशुद्धियाँ करते हैं उच्चारण संबंधी, देखते हैं उन अशुद्धियों से क्या प्रभाव पड़ता है बोलचाल की भाषा में। इस पाठ में हमें पढ़ना है छात्रों, शुद्धता के साथ उच्चारण करने के तरीका को समझना। शुद्धता के साथ, अशुद्ध न हो हमारा उच्चारण। चूंकि छात्रों सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। और देखते होंगे पढ़े लिखे लोग अधिकांश बैग लिए हुए एजुकेटेड पर्सन, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, ब्रिलियंट पर्सन जाते हैं स्टेशन पर, दिखाई देंगे और कहेंगे थोड़ा गमछवा हटाइए ना, ये गमछवा शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। कहते हैं लोटवा दीजिए ना, तो ये सब शब्द उच्चारण अशुद्धियों के साथ हम करते हैं। ये अशुद्धियां हमसे ना हो इसलिए हमें शुद्ध उच्चारण करने के लिए व्याकरण को समझना पड़ेगा, व्याकरण जानना पड़ेगा। व्याकरण की परिभाषा यूं तो सभी जानते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो तनी घसकिए ना। यह सिर्फ बिहार में ही नहीं है बल्कि सभी प्रांतों में उस प्रांत की अपनी जो बोली है, जो उपभाषा है, वह अपने भाषा के साथ लग ही जाती है, जुड़ ही जाती है, इंक्लूड हो ही जाती है। लेकिन हम व्याकरण जानने के बाद अगर ऐसी अशुद्धियाँ करते हैं तो निसंदेह गलत करते हैं, और इन गलतियों को कम करना हमारा ही दायित्व बनता है। अर्थात छात्र वो जो शिक्षा को ग्रहण करने के अंतर्गत उचित तरीके से उसका उच्चारण कर सके, उचित तरीके से उसका निर्वाहन कर सके, यही तो कर्तव्य है छात्रों का। अधिगम संप्राप्ति इसमें है, शुद्धता के साथ उच्चारण करने के तरीका को समझना, लिखावट में शुद्धता लाना, घोष व्यंजनों के स्थान पर अघोष की त्रुटियों को समझना। क्या क्या त्रुटियां होती हैं? तो घोष व्यंजनों के स्थान पर घोष और अघोष व्यंजन हम लोग वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं, वर्ण व्यवस्था में, जो इसके पहले वाला पाठ है। घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहा जाता है उन व्यंजनों को जिसमें जो घोषणा के साथ आता हो, अर्थात कहीं अटकता हो, अटकाव हो निकलने में, उच्चारित होने में, और उसके स्थान पर अघोष जो निर्वाध रूप से निकलता हो हमारे मुंह से। अर्थात सघोष व्यंजन के स्थान पर अघोष व्यंजन की उपयोगिता को हमें समझना है कि कहाँ अघोष होगा और कहाँ सघोष होगा। अल्पप्राण और महाप्राण की त्रुटियों को समझना है। अल्पप्राण और महाप्राण जिन वर्णों को बोलने में हमें कम वायु का प्रयोग करना पड़ता है या कम वायु मुंह से निकलती है वो अल्पप्राण है, और अधिक वायु का निष्कासन होने पर उसे महाप्राण कहा जाता है। इसे समझना है कि भाई कहाँ कम और कहाँ अधिक। हम छोटी ही के जगह पर दीर्घ ही लगा देते हैं और काम खराब हो जाता है। कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद ब के स्थान पर व लगा देते हैं, व के स्थान पर ब लगा देते हैं, बोलना होता है नवाब और कह देते हैं नवाब, है ना, लाजवाब,
लाजवाब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह उच्चारण हमारा गलत है, त्रुटिपूर्ण है, और त्रुटिपूर्ण किसी भी तथ्य को, वक्तव्य को हम अगर कहीं भी बोलते हैं तो हमारी त्रुटियां सबके सामने आती हैं, और निसंदेह गलत को गलत ही कहा जाता है। व्यंजन गुच्छ के साथ स्वरों के उच्चारण को समझना है। व्यंजन गुच्छ अर्थात व्यंजन गुच्छ कहा जाता है संयुक्त व्यंजनों के गुच्छे को। च छ क ख मक्खी, मक्खी कहते हैं तो क ख कहते हैं। अच्छा, तो च छ का प्रयोग किया जाता है, ये व्यंजन गुच्छ है। अगला है समान रूप वाले दर्शित शब्दों को असमानता, दर्शित शब्दों की असमानता को समझना। ये जो समान रूप वाले शब्द हैं यह कैसे असमान हो जाते हैं, या असमान वाले जो सदस्य समान कैसे बन सकते हैं, इन तरीकों को देखना और समझना है। शुद्ध उच्चारण पर जितना अधिक बल दिया जाए कम है। शुद्ध उच्चारण पर हम जितना चाहे जितना भी प्रयोग अपना करते हैं, उपयोग करते हैं, वो कम ही हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है ना, वो हमारे भाषा में जब जुड़ जाती है तो अब शब्द हो जाता है, वह शब्द अधूरापन को प्राप्त करता है या फिर त्रुटिपूर्ण जान पड़ता है। अधिक बल दिया जाए कम है, जितना अधिक बल दिया जाए। कभी कभी अशुद्ध उच्चारण अर्थ का अनर्थ कर देता है। जैसे जैसे देखिए, मिट्टी में बीजों को अच्छी तरह दबा देने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। अब यहाँ बा होगा कि वाह होगा, तो यहां देखिए छात्रों, ये जो दवा है यह गलत है, यहां दबा हो जाना चाहिए। अर्थात मिट्टी में बीजों को अच्छी तरह दबा देने से, दवा डॉक्टर साहब से लेकर इंजेक्शन या फिर वो टैबलेट खिलाया जाए, ये दवा नहीं होगा, यहां होगा दबा देने से, क्योंकि मिट्टी में तो दबाने की क्रिया की जाती है। तो यहाँ तनिक सी भूल के लिए, लिखने में तनिक सी गलती के लिए अर्थ का अनर्थ बन गया। राघव एक शेर बादाम खा गया, राघव एक शेर बादाम खा गया, शेर और बादाम को खा गया राघव। यहाँ पे तलावे स के जगह दंते स होना चाहिए, क्योंकि शेर दंते स से जब लिखा जाता है तो यह मात्रा का बोध कराता है, यह दर्शाता है वजन को। राघव एक शेर बादाम खा गया। क्या तुमने कभी एक शेर हाथी की लड़ाई देखी है? ये शेर, एक शेर हाथी की, यानी कि एक शेर हाथी, हाथी का वजन एक शेर है, शेर पसेरी किलोग्राम ग्राम, जिस तरह से किलोग्राम ग्राम में वजन किया जाता है, शेर और पसेरी भी वजन का मात्रक है, मात्रा को दर्शाता है। यहाँ पर ये शेर होगा। अब देखिए कि दंते स के जगह तलावे स दिया गया तो अर्थ का अनर्थ हुआ, तलावे स के जगह दंते स दिया गया तो अर्थ का अनर्थ हुआ। यह अनर्थ न हो, अर्थ का अर्थ ही हो, मतलब हो, तभी हमारा शुद्ध होता है उच्चारण। सुबह सवेरे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना, पढ़ना मतलब पढ़ जाना, सो जाना अच्छा लगता है, या पढ़ना होगा, यहाँ अड़ के जगह पर अढ़ होगा, यहाँ पर क्या होगा, पढ़ना। घर के चारों ओर बाढ़ लगी थी, बाढ़ नहीं, इसे कहा जाता है बाढ़, बाढ़ का अर्थ होता है फुलवारी। बाढ़ का अर्थ होता है फुलवारी,
उपरोक्त सभी वाक्यों में उच्चारण में अशुद्धियों का प्रयोग होने से अर्थ बदलकर अनर्थकारी वाक्य का निर्माण कर रहा है। मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई पौधे को दवा दें कि दबा दें। शेर, एक शेर बादाम कैसे खा सकता है कोई व्यक्ति? शेर आदमी को खाता है, आदमी शेर को खा गया। एक शेर हाथी, ये वजन क्या हाथी का वजन है? ये कंफ्यूजन बढ़ जाता है, असुविधाएं होती हैं और यह गलत माना जाता है। घोष व्यंजनों के स्थान पर अघोष और अघोष व्यंजनों के स्थान पर घोष व्यंजनों का प्रयोग होकर अर्थ का अनर्थ बनता है। जैसे शुद्ध भाषा है प्रकट, परंतु हम लिखते हैं कहीं कहीं प्रगट। प्रगट शब्द नहीं होता, शब्द होता है प्रकट। क होता है, ग नहीं होता। दोनों ही क वर्ग के ही सदस्य हैं, क भी और ग भी, परंतु दोनों के सिर्फ ये घोष व्यंजन है और ये अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष और तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। खद्धर, खद्धर ये ध नहीं होगा, ये गलत है। खद्धर ये होता है सही। नचतीक, नाचदीक नहीं, ये गलत है। या नजदीक इस तरह से होगा। काकच, कागज, कागज नहीं बल्कि कागज होता है और ज के नीचे हल्फ होता है। इस नीचे बिंदु को क्या कहा जाता है? हल्फ, हल्फ या नुक्ता भी कहते हैं। चुगंदर ये गलत होगा, चुगंदर नहीं होता है, चुकंदर होता है। बागवान, भगवान, भगवान नहीं भगवान होता है। झूठ नहीं होता, झूठ होता है। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ, इसमें अधिक कंफ्यूजन होता है, जबकि ठ होता है घनिष्ठ। ये शेर, इसका भी अर्थ होता है, ये हो गया मात्रा को दर्शाता है, मात्रा अर्थात वजन को दर्शाता है, जबकि यह शेर एक जंगली जानवर है। बाढ़, ये बाढ़ जो है ये नदी या तालाब के माने जल बहाव को, जल का बहाव दर्शाता है। और ये बाढ़, इसका अर्थ होता है फुलवारी। या बगिया, बगीचा, बगिया, जल का बहाव, ये बाढ़। अब देखिए छात्रों, अगर हम बाढ़ के जगह बाढ़ लिख दें या बाढ़ के जगह बार लिख दें, तो ये दोनों का अपना पृथक अर्थ है, इन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है। ये अर्थ वहाँ जा करके वाक्य के साथ अनर्थकारी प्रभाव डालता है, जिसके वजह से हमारा उच्चारण अशुद्धि को प्राप्त करता है और हमारा आंसर लिखा हुआ गलत माना जाता है। शिक्षक घेर देते हैं और नंबर, आधा नंबर काट लेते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए ये शुद्धता कैसे हो, तो उच्चारण को हम देखें, समझें। वर्णमाला के अंतर्गत हमने जिन जिन उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसको जब समझ लेंगे और उच्चारण करके हम शब्दों का उच्चारण जो करेंगे, हम ध्वनियों का, उन्हीं को वर्ण के रूप में लिखते हैं, कभी गलती नहीं होगी। इस तरह से करके अल्प प्राण के स्थान पर महाप्राण और महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण हो जाता है। कैसे? तो सीधा साधा,
ये सीधा साधा नहीं होता है, सीधा सीधा सही है, सादा सीधा सादा, धोखा नहीं होता है धोखा। इसी तरह से यह ठंडा गलत है, यह सही है। भूख नहीं होता है भूख होता है। चिट्ठी ठठ संयुक्त नहीं होगा टठ संयुक्त होगा, ये गलत है। बूढ़ा ढढ़ संयुक्त नहीं डढ़ संयुक्त होगा। यह संयुक्त अक्षर अर्थात संयुक्त जो वर्ण है, जो व्यंजन गुच्छ बन रहा है, यहाँ पे यह उच्चारण गलत करने के वजह से ही हम लिखते भी गलत हैं और तब हमारी अशुद्धियाँ सामने दिखती हैं। व के स्थान पर व, जैसे होता है वसंत ऋतु और हम कहीं कहीं लिख देते हैं वसंत बसंत, व का प्रयोग करते हैं, इसमें तो अधिकांशतः भूल होता है व और व के उच्चारण में, एक समान जैसा ही लगता है उच्चारित होता है। कितने लोग तो उच्चारण करते हैं और कहते भी हैं कि हाँ मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन ऐसे ही बोलने से थोड़ी ना होता है। हम ये कह दें कि ये क्या है तो आप सभी कहेंगे कि क है। मैं कहूँ कि ना मैं इसे क नहीं मानता, मैं तो ऐसे ऐसे क लिखता हूँ, तो लिखिए, लेकिन आपका ये क कोई समझ नहीं पाएगा तो ये गलत हो जाएगा, पूरी दुनिया तो इसे क मानती है, तो मेरे कहने से मेरे मानने से दुनिया नहीं चलती, दुनिया के मानने से मुझे चलना पड़ता है, एक व्यक्ति को चलना पड़ता है। तो जो मानक स्थापित है, जो उच्चारण हमारे मुंह से निकल रहा है, मुझे अगर मौखिक रूप से उच्चारण करने में हम गलतियां करते हैं तो निसंदेह लिखित रूप से भी हम गलत लिख देते हैं, वर्णों को लिपिबद्ध तरीके से जब हम लिखते हैं तब गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमें शुरुआत में ही अपने उच्चारण को सुधारना चाहिए। नवाब सही होता है जबकि ये नवाब गलत है। विवाह नहीं होता विवाह होता है वी, जवाब नहीं होता जवाब होता है, वंदना नहीं वंदना होता है, बवंडर नहीं होता बवंडर होता है। इस तरह से ये व के स्थान पर व, ये शुद्धिकरण करके इन अशुद्ध शब्दों को ठीक किया गया है। आइए देखते हैं। अब स स स तलावे स के जगह दंते स के जगह मुदने स, स का उच्चारण लगभग स के समान होता है, अर्थात तलावे स और मुदने स में उच्चारण में समानता होने के वजह से यहाँ गलतियां हो जाती हैं। कैसे तो विकास, ये स नहीं होगा दंते स होगा विकास, सब ठीक है, सिर्फ स की गलती के वजह से अर्थ अनर्थ को प्राप्त करता है। सुशील ये गलत है दंते स से होगा, शासन ये गलत है तलावे स आकार स न, तलावे स आकार दंते स न, शाश्वत गलत है तलावे स से होगा, शाश्वत तलावे स जो तालु से बोला जाए, जीव जाकर के तालु अर्थात दांत के निचले हिस्से में स्पर्श करके जिस जिन वर्णों का उच्चारण करती है वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं और तालव्य वर्ण के अंतर्गत तालावे से आता है। अतः हम शाश्वत जब कहते हैं उच्चारित करते हैं तो तालु से जाकर हमारी जीवा स्पर्श करती है, अतः यह तालव्य वर्ण के अंतर्गत आएगा और तालावे से ही होगा। अर्थात हम उच्चारण को अगर समझ लेते हैं, उच्चारण को करने लगते हैं सही ढंग से, तो लिखित रूप से भी हमारा गलती नहीं होगा ना के बराबर होगा। सिफारिश गलत है सिफारिश। भूषण गलत है, यहाँ भूषण यहाँ मूर्धन्य स होगा। विभीषण विभीषण। आशा आशा। प्रसाद ये गलत है, यह प्रसाद सही है। प्रसाद का प्रसाद और प्रासाद
कहीं कहीं ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं प्रसाद और प्रासाद। इस प्रासाद का अर्थ मकान होता है, घर भवन होता है, जबकि इस प्रसाद का अर्थ ईश्वर का भोग होता है जो ईश्वर के सामने हम समर्पित कर दिए। छात्रों, प्रसाद में एक बड़ी बात दिखती है कि किसी के घर पूजा हो रहा है, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके ही घर पूजा हो रहा है, आपने खीरा लाया, कोन लाया, ककड़ी लाया, सेब, केला, जो भी आप फल कंद ला करके अपने पूजा में उपयोग किए, लेकिन जैसे ही उसे काट करके ईश्वर के सामने समर्पित कर दिया गया, आपका अधिकार एकाधिकार खत्म हो गया। अब वहाँ पर जितने लोग कथा पूजन में आयोजन में यहाँ वहाँ मौजूद हैं, उन सबका अधिकार उस प्रसाद पर हो गया, क्योंकि वो प्रसाद अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि ईश्वर का हो गया। अतः प्रसाद जो शब्द होता है उसकी यह महिमा, अगर सिर्फ आ की मात्रा लग जाए तो उसका अर्थ अनर्थ बन जाए। भगवान का प्रसाद दो, अब प्रसाद की जगह प्रासाद हो गया तो भगवान का घर दो, घर ही मांगने लगे। प्रशंसा गलत है, यह सही है। मनुष्य दंते स नहीं होगा, मूर्धने स होगा, पोशाक में तलावे स होगा। शंकर, अब इस शंकर का भी अर्थ होता है, इस शंकर का अर्थ होता है मिलाना, या मिलावट, किसी भी दो वस्तुओं को मिला करके कि तीसरे वस्तुओं का वस्तु का निर्माण अगर किया जाता है तो वो शंकर हो गया, जबकि यह शंकर शिव का बोध कराते हैं। वशिष्ठ, वशिष्ठ यह गलत है, सी ये दंते स होगा। और इस तरह से हम अल्पप्राण से महाप्राण और महाप्राण से अल्पप्राण, स से स, स का उच्चारण जो गलत होता है उसको शुद्धता को प्राप्त कराते हैं, करते हैं। न के स्थान पर अण का प्रयोग एवं अण के स्थान पर न का प्रयोग, कई बार हम ऐसी भूल गलतियां कर बैठते हैं जहां होना चाहिए बड़ी न, ये इसे बड़ी न के नाम से भी जानते हैं और यह छोटी न के नाम से जाना जाता है। यह त वर्ग का सदस्य है जबकि यह ट वर्ग का है, दोनों ही स्पर्श व्यंजन के सदस्य हैं, लेकिन न से नल, नाला, नथुनी, नकबाली, नार, लेकिन इस अण से कुछ ना, इतना अंतर है इन दोनों में। और जब इसे किसी वाक्य के अंतर्गत शब्दों में प्रयोग करके हम गलत उच्चारण के साथ लिख देते हैं तो उसका अनर्थ बन जाता है, जैसे पुण्य ये गलत है सही है। परिणाम, यहाँ न बड़ा वाला रहेगा, प्रणाम बड़ा रहेगा, रामायण इस न के स्थान पर गलती हो रही है, प्रमाण ये सही है, कल्याण ये सही होगा, गुण गुण अण रहता है, गणनीय इसमें एक न बड़ा और एक छोटा रहता है। ठीक इसी तरह से छ के स्थान पर छ, यह छ जो है यह स्पर्श व्यंजन का है सदस्य, जबकि यह छ अन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत, और इस छ के संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आने से इस छ का निर्माण दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, क और स, जबकि यह छ जोड़ अ कर देने पर यह छ बन जाता है, और इसमें अ अलग से युक्त होने पर यह तीन वर्णों से बना हुआ एक वर्ण है,
जबकि यह अकेले एक सिर्फ स्वर वर्ण के सहायता लेकर के अपने आप को व्यंजन बनाता है। अतः इन दोनों में कितना अंतर है, और यही अंतर जब शब्दों के प्रयोग में इसका करते हैं तो हो जाता है। जैसे अब यह अंतर वर्ण विच्छेद जब करने जाते हैं तो हमें बहुत ही परेशान करता है। अतः इसके उच्चारण को सही ढंग से समझना आवश्यक है हमारे लिए। लक्ष्मण परीक्षा, यह सही है। परीक्षा, यह देखिए इसका भी मतलब निकलता है, इसका अर्थ हो गया, इस परीक्षा का अर्थ हो गया पर जोर इच्छा। पर की इच्छा यानी दूसरों की इच्छा, ये परीक्षा। जबकि जो इस परीक्षा की बात हम लोग करते हैं कि परीक्षा आने वाली है, फर्स्ट टर्म एग्जाम है, परीक्षा है, तो ये परीक्षा इच्छा से होगा। अब यहाँ लिख देते हैं छिद्र, जबकि यह छ छ वाले छ से होगा। नक्षत्र गलत है, यहाँ ये छ होगा। स्वच्छ ये गलत है, यहाँ स्व अक्ष स्वच्छ। इस तरह से इनके उच्चारण स्थान से इनकी अशुद्धियां पता चलती है और इसे दूर भी किया जाता है। अ के स्थान पर आ, अ स्वर वर्ण है, आ भी स्वर वर्ण है, लेकिन यह हर्ष स्वर है। जबकि यह अ दीर्घ स्वर है। अब हर्ष और दीर्घ, हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण अल्प समय में होता है वो हर्ष स्वर कहलाते हैं, जबकि दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण हर्ष स्वर के दोगुने समय में होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ अगर इतना अंतर इनके नाम में है, इनके परिभाषा में है, तो इनके अर्थ में भी होगा, स्वाभाविक है। अब अधीन लिखते हैं, जबकि होता है अधीन, माने किसी के अंडर में रहना। आधार नहीं होता है, आधार होता है बेस। सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है। बारात नहीं होता है, लोग बोल देते हैं बारात जाना है, बारात गया है, बारात होता है। आजाद, यह गलत है, आजाद नहीं आजाद होता है। दरोगा नहीं होता है, दारोगा होता है, शुद्ध शब्द। इसी तरह से व्यंजन गुच्छ के आरंभ में अ का उच्चारण, जैसे स्कूल, स्कूल शब्द यूं तो हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं, विद्यालय कह सकते हैं, पाठशाला कह सकते हैं। स्कूल अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है जिसे हम विदेशक शब्द के अंतर्गत रखते हैं। स्कूल में ई का उच्चारण पहले हो गया, जबकि अ का उच्चारण होगा स्कूल कहा जाएगा। स्नान, स्नान अ का उच्चारण आएगा सबसे पहले, लेकिन लिखा इस तरह से जाएगा। स्थान, इसमें भी अ नहीं रहेगा, स्थान ऐसे लिखा जाएगा। स्नेह, स्नेह नहीं होता है, स्नेह होता है। स्थिति, ये ई नहीं रहेगा, स्थिति इस तरह से लिखा जाएगा। इतने त्रुटियों के साथ जब हम अगर लिखते हैं तो हमारी गलतियां अधिक होती हैं। इन त्रुटियों को हम आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आसानी से ठीक कर सकते हैं उच्चारण करके पहले देख लें। वर्ण विचार के अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसके उसको आधार बना के उच्चारण करते समय ही हम उसको पकड़ें कि यह बोल रहे हैं हम तो जिह्वा को कहाँ सट रहा है मेरा जिह्वा, या आधा सट रहा है नजदीक निकटवर्ती क्षेत्रों से होकर के यह आवाज निष्कासित हो रहा है हमारे मुंह से। तो जो भी उच्चारित करते हैं उसे ही हमें लिखना है, और उच्चारण को अगर हम सही ढंग से कर लेते हैं तो फिर लिखने में हमारी कहीं भी त्रुटि नहीं रह जाती है। अंत में व्यंजन गुच्छ के साथ स्वर का उच्चारण, जैसे धर्म। कई साहित्यकारों ने
इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन किसी के बातों के में किया है जिन्होंने ऐसा शब्दों का उच्चारण किया हो। जैसे गांव में बहुत लोग ऐसे होते हैं, कर्म करो धर्म करो, तो धर्म अगर उनके मुंह से उच्चारित हो रहा है और उसी को इन्वर्टेड कमा में योजक चिन्हों के अंतर्गत उसी को इन चिन्हों को उद्घोषक चिन्ह का है, उद्घोषक अर्थात किसी की घोषणा को इसमें लिखा जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस कथन को अक्षरश जहां भी लिखेंगे यह इस चिन्ह के दायरे में लिखेंगे, क्योंकि यह चिन्ह ही यह दर्शाता है कि यह किसी के द्वारा कहा गया कथन है, और किसी के द्वारा कहे गए कथन को जब अक्षरश हम लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा अर्थात इस चिन्ह के दायरे में हमें लिखना पड़ता है, जिस चिन्ह को उद्घोषक चिन्ह कहा जाता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। यहाँ धर्म ये सही होगा, कर्म भी गलत, धर्म के तरह कर्म में भी आधा रह का उच्चारण किया जाता है, राजेंद्र नहीं होता है राजेंद्र होगा। यहाँ पर राजा जोर इंद्र, जब संधि युक्त शब्द संधि हम लोग पढ़ेंगे तो संधि युक्त शब्दों को हम पहचानेंगे जानेंगे, और वो भी आसानी से जिस तरह से अभी हम समझ रहे हैं। सुरेंद्र ये गलत होता है, इस तरह से लिखा जाता है। प्रकाश नहीं होता प्रकाश होता है, जबकि प्रसिद्ध भी ये गलत है और इस तरह से प्रसिद्ध लिखा जाता है। छात्रों आपने देखा कि हम जिस तरह से उच्चारण करते हैं अपने मुखमंडल से प्रकाशित होने वाले उन वर्णों को, जो अगर सही ढंग से हम उच्चारण नहीं करते हैं तो लिखते भी गलत हैं और वहां गलती हमारी क्षमा योग्य नहीं, क्योंकि कहा गया है छात्रों कि अनजाने में हुए गलती के लिए क्षमा तथा जानबूझ के किए गए गलती के लिए ही सजा का प्रावधान होता है। हम सजा के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि उच्चारण को समझने के बाद, हम वर्णमाला को समझने के बाद, वर्णों के विचार को समझने के बाद भी हम उच्चारण में अगर गलतियां करते हैं बोलने के संदर्भ में या लिखने के संदर्भ में, तो वह जानबूझकर गलती करार दी जाती है और शिक्षक द्वारा आधा नंबर करते करते 20-22-25 नंबर तक कट जाते हैं 100 नंबर के अंतर्गत। आखिर उससे नुकसान ही तो होता है, नुकसान न हो इसलिए हम उच्चारण को पकड़ें। उच्चारण जितना हम सही कर सकते हैं उतना ही उचित हम लिख सकते हैं और हमारा अर्थ का अनर्थ नहीं बनेगा। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यह पाठ समाप्त हो चुका है और विदा लेने का वक्त आ गया है। मैं अपनी अंतिम वाणी को इस पाठ के लिए विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप सदैव खुश रहें।